भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के जलवा तो अपने हर जगह देखे ही होंगे। पवन सिंह का एक सपना था कई सालों से कि वो राजनीतिक में आए। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ राजनीतिक में आए, उसी तरह पवन सिंह भी चाहते हैं कि वो राजनीतिक में आए। वो बीजेपी से कहीं से भी उनको टिकट मिले वो लड़ने के लिए तैयार थे और पवन सिंह दावा भी किए थे कि आरा से इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता आरके सिंह उनका पत्ता साफ कर दिए हैं। अब आरके सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोले कि मेरा फैसला कोई दूसरा नहीं ले सकता है, मैं खुद ले सकता हूं और इस बार चुनाव आरा से मैं लड़ूंगा। सब लोग ने दावा किया था कि वो गवर्नर बनने वाले हैं और आरा के सीट खाली रह जाएगा और वो सीट पवन सिंह को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद इस बार इंटरव्यू में बोले हैं कि मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे जी। हमारे बारे में कोई दूसरा निर्णय कैसे ले लेगा? वो निर्णय तो हम अपने बारे में खुद करेंगे ना। गवर्नर बन के जा रहे हैं, हम कहीं गवर्नर बन के नहीं जा रहे। आरा से लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पवन सिंह ने एक गाना भी गाए थे और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किए, और इस खबर को सुनकर कुछ लोग दुख भी हैं और खुश भी हैं। और आप क्या सोचते हैं? ऐसे हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और सांसद हो जाते तो बहुत ही अच्छा रहता। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह अब कहीं नहीं जा रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।